कार्यक्रम में कई सामाजिक संगठन के लोग शामिल हुए जो ज्ञापन देने से पूर्व मार्च निकाले और सभा किए, जिसमें अनूप श्रमिक संयोजक रिदम मंच ने बोला कि सत्र 2024-25 का शेड्यूल कास्ट सब प्लान एवं ट्राइबल सब प्लान का बजट संसद में पेश हो चुका है। वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट 48,20,500 करोड़ रुपए हैं, जिसमें से 1,65,493 करोड़ रुपए 3.43% अनुसूचित जाति के लिए है और 1,32,214 करोड़ रुपए 2.74% अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित किए गए हैं, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की योजनाओं के अनुसार उन्हें क्रमशः 7,55,384 और 3,55,281 करोड़ रुपए आवंटित करना चाहिए था। केंद्रीय बजट ने जनसंख्या के अनुसार बजट आवंटित करने में बड़ी असफलता दिखाई और इससे स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक सुरक्षा एवं विकास की चिंता नहीं है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुखू मरावी ने बोला कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों कल्याण के लिए योजनाओं के नाम पर सरकार कारपोरेट जगत का हित कर रही है। इस केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं की जगह अन्य क्षेत्रों में पैसे आवंटित कर दिए और अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति योजना की मूल आत्मा के साथ खिलवाड़ किया है। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय एवं राज्य सरकारी संघ के अध्यक्ष सोनचंद वाल्मीकि ने कहा कि राष्ट्रीय मैकेनाइज्ड सफाई कार्यक्रम जैसी योजनाओं को 236.99 करोड़ रुपए का विशाल बजट दिया गया है, जो केवल कॉरपोरेट्स को पैसे देने के लिए एक प्रतीकात्मक व्यवस्था है, जिसका मौजूदा सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास से कोई लेना देना नहीं है। बोधी मानव कल्याण समिति के संयोजक डॉक्टर ब्रजेश भारती ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ने कैसे अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति योजना के बजट को अनुचित रूप से अन्य गैर जरूरी कामों में आवंटित किया है और भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है, जिसमें दलित आदिवासी के बजट से कभी हजारों लाखों करोड़ रुपये प्रयागराज कुंभ में, मेट्रो ट्रेन निर्माण में, गौशाला गौ सेवा केंद्र निर्माण में, बिहार में पुलिस थानों के निर्माण आदि अन्य मदों में बजट को खर्च किया जा रहा है। मार्चसभा में मुख्य रूप से अनूप श्रमिक डॉक्टर आनंद तिवारी, नंदलाल मास्टर, जागृति राही, अनिल कुमार, जीरा कुमारी, रमेश कुमार, गोरखनाथ, सच्चिदानंद पटेल, महेंद्र कुमार रत्ना देवी, प्रेम कुमार नट, चहेटू गोंड, महेंद्र कुमार, जुबेर खान बागी, करीम रंगरेज, संतोष पटेल, राजकुमार गुप्ता आदि उपस्थित रहे। हम लोग इन सवालों को लेके महामहिम से को ज्ञापन देने जा रहे हैं। जैसा कि ये बताऊंगा कि भारत के 5 राज्यों में ये स्पेशल कंपोनेंट प्लान जो योजना था वो कानून बन चुका है। तेलंगाना सरकार ने पिछले वर्षों में 17,000 एकड़ भूमि हजारों हजार परिवारों को इस बजट से, स्पेशल कंपोनेंट प्लान के बजट से खरीद के दिया। तो जब एक राज्य अगर ऐसा कर सकता है तो भारत के तमाम भूमिहीन दलित आदिवासियों को ये सरकार हमारे बजट से पैसा से खरीद के क्यों नहीं देती। साथ में हम राष्ट्रपति महोदय से ये भी मांग करेंगे कि ये जो योजना है SC/ST सब प्लान का, उसको कानून का दर्जा बनाया जाए और उसको दर्जा बनाने के बाद एक स्वतंत्र मंत्रालय हो जो अनुसूचित जाति के विकास के लिए हो। तीसरा, जो हमारे बजट को 45 विभागों के माध्यम से दिया जा रहा है वो उसके माध्यम से दिया जाए। तो ये तमाम और भी सवालों के साथ आज राष्ट्रपति महोदया को भारत के 20 राज्यों में हम एक साथ ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं और ये अभियान नेशनल कैंपेन फॉर सोशल जस्टिस के तरफ से एक साझा अभियान हम में उतरे हैं और साझा एक साथ मिलकर हम महामहिम को ये ज्ञापन देने जा रहे हैं।